आज आमे सिखिबा देइथिबा मापर कोण अंकन सह संबंधित उदाहरण। प्रोट्राक्टर रो प्रयोग द्वारा 23 डिग्री मापर कोण अंकन कर। पाद 1 सर्वप्रथमे आमे एक रश्मि एबी अंकन करिबा। पाद 2 प्रोट्राक्टर रो केंद्र ए उपरि रखी आमे प्रोट्राक्टर को एहीपरि समान रखिबा जे ताहार शून्य सीमा रश्मि एबी उपरे रहिबो। पाद 3 तमे देखि परिबो जे प्रोट्राक्टर उपरे 2टी स्केल अछि। कण तुमे कहि परिबो आमे केउ स्केल नबा? भाब बिल्कुल ठीक। आमे सही स्केल देखिबा जहा उपरे 0 डिग्री बिंदु बी पाखरे थिबो। एही परी आमे रश्मि ए बी को 0 डिग्री भाबिबा। एही स्केल रे आगो को जाई आमे देखिबा जे 23 डिग्री रो खंड केउ स्थान रे आसुछि। एही स्थान सम्मुखरे आमे बिंदु सी चिन्हित करिबा। पाद 4 एबे आमे बिंदु ए ठेरु आरंभ हेउथिबा ओ बिंदु सी देई जाउथिबा रश्मि एसी अंकन करिबा। एही परी एठी आमे 23 डिग्री माप कोण सीएबी कोण अंकन कले। उदाहरण 2 कंपास रो प्रयोग द्वारा कागज उपरे सेही कोण अंकन करिबा जहा 3 घटिका समय रे घंटार कंटारे तयारी कोण सह समान हेबो। जेबे घंटारे 3 बाजे तेबे घंटार बड़ कंटा 12 रे थाए और छोट कंटा 3 रे थाए। एही परी 2 कंटा निज भितरे एक समकोण अर्थात राइट एंगल तयारी करंती। समकोण अर्थात 90 डिग्री कोण। अर्थात हमको कंपास प्रयोग द्वारा 90 डिग्री माप कोण अंकन करिवार अछि। चलो सिखिबा एहाकू आमे किपरि अंकन करि परिबा। पाद 1 आमे एक रश्मि एमएन अंकन करिबा। पाद 2 एबे आमे कंपास ने ताहार मुनिया मुंड एम उपरे रखिबा। कंपास रे एक सुविधाजनक व्यासार्ध नै एक चाप अंकन करिबा जहा रश्मि एम एन को बिंदु क्यू उपरे काटिबो। पाद 3 कंपास रे नैथिबा दूरता को समान रखी आमे ताहार मुनिया मुंड क्यू उपरे रखिबा ओ प्राप्त चाप को बिंदु पी उपरे काटुथिबा आउ एक चाप अंकन करिबा। एहाको बारंबार करी आमे कंपास रो मुनिया मुंड पी उपरे रखिबा ओ पूर्व चाप को बिंदु बी उपरे काटुथिबा आउ एक चाप अंकन करिबा। पाद 4 कंपास रे समान दूरता रखी एबे आमे बी ओ पी ठारू परस्पर को काटुथिबा चाप अंकन करिबा। प्राप्त छेदक बिंदु को जी नाम दबा। पाद 5 एबे आमे एम ठारू आरंभ हेउथिबा ओ जी देई जाउथिबा रश्मि एमजी अंकन करिबा। एही परी हमको एनएमजी कोण प्राप्त हेबो जहार माप 90 डिग्री अटे। तेणु आज आमे सिखिले देइथिबा मापर कोण अंकन सह संबंधित उदाहरण। तापर वीडियो रे एहा सह जोड़ा किछि भूल सिखिबा।